गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11.1 एक्सरसाइज का सेवन्थ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कहता है ड्राई राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटन्यूज आर ऑफ द लेंथ 4 एंड 3 सेंटीमीटर। मैंने हाइपोटन्यूज को छोड़ के मैंने बाकी क्या रह गया, बेस और परपेंडिकुलर। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। फिर एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम लोग राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं पहले, बेस 4 सेंटीमीटर, ये हमने 4 सेंटीमीटर, इसका नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। सपोज करो हम इसका नाम ए बी रख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर एक राइट एंगल बना लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और क्योंकि एक लाइन सेगमेंट और है, वो कहाँ से लगाएंगे तो पॉइंट ही नहीं आएगा सी, तो इसलिए पहले राइट एंगल बनाना पड़ेगा। ये आर्क ड्रा कर ली, जो फर्स्ट आर्क होगी वो आपकी 60 और जो सेकंड ड्रा करोगे वो 120, ठीक है, और 120 और 60 के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। तो ये राइट एंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद जो साइड दी है 3 सेंटीमीटर, अगर बेस 4 था तो उसकी हाइट कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, माना परपेंडिकुलर। तो 3 सेंटीमीटर आर्क ड्रा कर लेंगे 3 सेंटीमीटर रेडियस की। और ये आर्क आ जाएगी आपके पास, इसका नेम रख लेते हैं हम लोग सी। बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। तो ये आपके पास एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब इसके सिमिलर दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड 5/3 टाइम जो। तो पहले तो क्या करते थे, एक्यूट एंगल ड्रा कर लेते हैं विद ए बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स सी। इस रे का नेम लिख लेते हैं AX। तो अब इस पे क्या करेंगे, देखो रेशो को देखते हैं, रेशो क्या है आपका 5/3, तो इसमें से ग्रेटर नंबर न्यूमरेटर में 5 है, तो 5 इसमें से इक्वल आर्क ड्रा करेंगे, पॉइंट ड्रा कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे उन पॉइंट को। तो उसको देखो इतना ओपन कर लेंगे कि इस पे 5 ईजी आ जाए, ईजिली ड्रा कर सके हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, इनके नेम रख लेते हैं। जैसे ए से स्टार्ट हुए हैं तो A1, A2, A3, A4, A5, इस रे पे हमने 5 पॉइंट लोकेट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से चलना है। डिनोमिनेटर में क्या 3, तो पहले 3 को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग किसके साथ, ट्रायंगल के एंड पॉइंट के साथ, मतलब 3 को B से ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। और फिर अब न्यूमरेटर का नंबर है 5 को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कैसे, इसके पैरेलल ड्रा करेंगे इसको, तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगी ना, तो पहले इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग। और इसको भी इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तो पहले ही प्रोड्यूस है, थोड़ी और प्रोड्यूस कर लेते हैं इसको।
तो अब देखो इसके पैरेलल ड्रा करेंगे हम। पैरेलल ड्रा करने का वही तरीका जो सभी में अब तक हमने किया है, कोई भी कितने भी रेडियस लो, कोई एक आर्क हम लोग लगा लेते हैं जिसके पैरेलल ड्रा कर। फिर यहाँ से 5 से हम लोग वही आर्क ड्रा कर लेंगे। पेंसिल थोड़ी शार्प रखें तो अच्छा बनेगा, पैरेलल भी सही होगी। तो फिर दूसरा स्टेप क्या था, इसको मेजर कर लेंगे हम लोग, कंपास से ही मेजर करेंगे। ठीक है ना, फिर इसको मेजर करके आर्क लगा लेंगे। इस टाइप से फिर इसको ज्वाइन कर देंगे हम। जो ए बी प्रोड्यूस को बी डैश पर इंटरसेक्ट कर देंगे, फिर बी डैश से बी सी के पैरेलल ड्रा करेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा, फिर अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क लगाएंगे और फिर बी डैश से हम लोग एक आर्क लगाएंगे, फिर इस आर्क को मेजर कर लेंगे। फिर इतनी आर्क यहाँ से कट कर लेंगे, फिर इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम। जो ए सी प्रोड्यूस को सी डैश पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो है हेंस ए बी डैश सी डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगी। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर हमने कंस्ट्रक्ट की ट्रायंगल, माना ड्रा ए ट्रायंगल, ड्रा ए राइट ट्रायंगल क्या नेम लिखा, ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ए 90 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, ये एक्यूट एंगल ड्रा किया था, तो लिखेंगे सेकेंड स्टेप, ड्रा एन एक्यूट एंगल विद, देखो किसके साथ है, ए बी के साथ, विद ए बी अपोजिट साइड टू वर्टेक्स, किस वर्टेक्स के अपोजिट है, सी के। ठीक है, हाँ ये हमने एक्यूट एंगल ड्रा कर लिया। थर्ड स्टेप देखो, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, इस पे पॉइंट लोकेट किए, ये 4-5 पॉइंट लोकेट, या ड्रा लिख सकते हो लोकेट, लोकेट पॉइंट्स, क्या क्या नेम है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ऑन रे ए एक्स सच दैट या सो दैट ए ए वन, वो माना चारों के पांचों के पांचों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ए वन ए टू ए टू ए थ्री ए थ्री ए फोर ए फोर ए फाइव, इस तरह से। ठीक है ना,
स्टेप नंबर फोर में हमने फिर क्या किया, पहले इसको ज्वाइन किया ए थ्री बी को, ज्वाइन ए थ्री बी। फिर स्टेप नंबर फाइव में क्या किया, इस पैरेलल ड्रा की ए थ्री बी के, ठीक है ना, इसके पैरेलल पॉइंट कहाँ से, ए फाइव से, और जो ए बी प्रोड्यूस को बी डी एस पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसको भी लिखेंगे फिर थ्रू पॉइंट ए फाइव ड्रा ए पैरेलल लाइन टू, किसके पैरेलल, ए थ्री बी, विच इंटरसेक्ट किसको, ए बी प्रोड्यूस्ड एट बी डैश पे उसको इंटरसेक्ट कर देती है वो पैरेलल लाइन। स्टेप नंबर सिक्स फिर क्या किया, बी डैश से बी सी के पैरेलल ड्रा किया, तो स्टेप नंबर सिक्स में फिर आप कहां से थ्रू पॉइंट बी डैश ड्रा ए पैरेलल लाइन टू, आप किसके पैरेलल थी, बी सी के, विच इंटरसेक्ट ए सी प्रोड्यूस्ड, ए सी प्रोड्यूस को किस पे, सी डैश पे, एट सी डैश, तो ट्रायंगल बन गई। हेंस कौन सी ट्रायंगल बनी, ए बी डैश सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये तो हमें ट्रायंगल बनानी थी, अब कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगी, ए बी डैश सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, क्यों जाएगी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रा की है और ये इसके इक्वल होगा तो ये कॉमन भी है, कह लो एंगल सिमिलरिटी। तो साइड प्रोपोर्शनली होगी फिर ए बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी डैश अपॉन बी सी, और ए सी डैश अपॉन ए सी, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन हमें पता है बट जो ए ए फाइव अपॉन ए ए थ्री, देखो हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग यही करते थे, कोई लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करना होता था तो उसका यही प्रोसीजर होता था। तो इसका मतलब जो ए बी डैश लाइन सेगमेंट है वो किस रेशो में डिवाइड हो गया है, ये फाइव और ये थ्री, माने इस रेशो में डिवाइड हो गया, उस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन क्वेश्चन का बेसिक है थोड़ा। तो ये किसके इक्वल होगा फिर, ए बी डैश अपॉन ए बी के, और अगर इसका रेशो देखो फाइव और थ्री है तो इसका भी फाइव और थ्री होगा, तो इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अगर थोड़ा डिटेल में करना हो तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें कि भाई ये फाइव बाय थ्री कैसे आएगा। और तो देखो फिर देयरफॉर, तो देखो ए बी डैश ए बी, ए बी डैश ए बी फाइव बाय थ्री है तो ये सभी फाइव बाय थ्री हो जाएंगे, ए बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू
बी डैश सी डैश अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी डैश ए सी। तो ये भी क्या आ जाएगा इनका रेशो 5/3। यही हमें जस्टिफाई करना था कि जो न्यू ट्रायंगल है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो 5/3 टाइम्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल।